दीपक, आपको लगता है कि अभी जिस तरह से माहौल बन रहा है, अगले साल चुनाव आने वाले हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जी सरकार सर, नौकरियां निकालेगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार जल्द ही नौकरियां निकालेगी। तो चुनाव के सर मैं बताऊं कि चुनाव के 6 महीने ही बचे हुए हैं, और अगर अभी नहीं भर्ती दे रही है तो फिर कब देगी सरकार? क्योंकि अभी कोई भी भर्ती बिना 6 महीने 1 साल के पहले तो पूरी होती ही नहीं है। उसका पेपर भी कराना होता है, फॉर्म भी भरवाने पड़ते हैं। अभी हाल ही में यूपी टेट 25 जुलाई को प्रस्तावित रखा है सरकार ने, तो अगर 25 जुलाई को टेट कराती है सरकार, 2-1 महीने के बाद रिजल्ट देगी, उसके बाद मार्च सीटें तो आएगी। और मैं बताऊं कि मार्च अप्रैल के लगभग चुनाव होते हैं, तो उसके पहले सरकार को एक भर्ती करनी चाहिए। और सरकार से जब भी हम सवाल रखते हैं भर्ती की, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कह दिया जाता है कि अभी बेसिक में हमारे द्वारा 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के पदों के समायोजन रद्द होने के रिक्त पदों की हुई है। उसमें वो शिक्षा मित्र पहले भी सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तो 4-5 साल से सर जो रिटायरमेंट 12 से 15 हजार शिक्षकों का होता है, वो पद कहाँ गए हैं? उन पदों पर भी सरकार को जल्दी भर्ती करनी चाहिए। और अगर होता है तो चुनाव के पहले सरकार एक लॉलीपॉप जरूर दिखाएगी अभ्यर्थियों को, जो 2 साल से इंतजार किए बैठे हैं, 2 बार टेट 2 बार सीटेट पास किए बैठे हैं। तो अब सरकार को तीसरी बार टेट कराने की क्या आवश्यकता है? 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टेट सीटेट दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण किए बैठे हुए हैं यूपी अकेले में, तो उन लोगों का सीधा सुपर टेट करा के भर्ती क्यों नहीं कराती है? वो जहां तक है तो चुनावी जुमला में एक भर्ती देंगे सर। चुनावी जुमले में भर्ती देंगे। ये देखिए, नितिन अस्थाना ने पीछे कुछ वो लिख रहे थे और उन्होंने उसमें ये भी लिखा था, तो क्या हम अपनी जान दे दें? देखिए, मैं हमेशा बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूं, हमें किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं होती जीवन में, क्योंकि समस्याएं जीवन में आती ही रहती हैं। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, बिल्कुल हिस्सा हैं। अगर जीवन है तो जी समस्याएं रहेंगी। एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा, एक जी सही कहानी है, इसको आप इस तरह से मान लें। मैं एक लेक्चर देने के लिए मुझे कहीं बुलाया गया था, तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहां पे था कि मोटिवेशनल सेमिनार था, लीडरशिप सेशन था। तो वहां पे सबसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि भाई, यहाँ पे हॉल में बैठे हुए कितने लोगों को समस्याएं हैं, कितने लोगों को परेशानियां हैं, हाथ खड़े करें। आप यकीन मानिए, तकरीबन 60% लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि साहब समस्या है। तो हमने कहा, इसमें से कौन कौन से लोग हैं जिनको समस्या रहित जीवन चाहिए, जिनको जीवन में समस्याएं नहीं चाहिए? मेरे पास ऐसी जगह है, मैं वहां आपको भेज सकता हूं, आप जा सकते हैं, वहां का पता बता सकता हूं, और आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप यकीन मानिएगा, 100% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, 100% लोगों ने। तो सबने पूछा कि बताइए वो कौन सी जगह है। मैंने कहा, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो वहां पे बीच में मुझे कब्रिस्तान दिखाई दिया, और वहां पे मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने वहां देखा सारे के सारे मुर्दे आराम से सो रहे थे, कहीं किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं थी, कहीं कोई शोर नहीं था। तो मैंने कहा, आप वहां जाना चाहते हैं? वहां जाएंगे तो कोई शोर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, जीवन है तो समस्याएं होंगी, और सबने अपने हाथ नीचे कर लिए और समझ में आ गया कि हाँ, कि जीवन है तो समस्याएं रहेंगी। तो जीवन रहेगा, समस्या रहेगी। कभी भी हम सड़क पे जाते हैं तो कभी ये सोच के नहीं निकलते हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी या जब जाम नहीं होगा, तब मैं घर से निकलूंगा। हमें जहां जिस गंतव्य स्थान पे पहुंचना होता है तो हम निकलते हैं। जब कई बार आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं, आपको कहीं जाना होता है, तो आप 2 महीने पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं कि आपको भीड़ ना मिले, यानी कि प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। और कई बार आपको रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं तो आप अल्टरनेट भी देखते हैं कि चलिए, अगर ट्रेन नहीं जा रही तो फ्लाइट से चले जाते हैं, यदि हम अफोर्ड कर सकते हैं, या बस से चले जाते हैं, या कोई और मोड देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में निराशा ना लाएं, निराशा से कुछ नहीं होता है, हर रात की सुबह होती है ये कहा जाता है, यानी कि अगर हम आज रात है, अंधेरा है, तो सुबह होगी, जरूर होगी। और जब सुख है, दुख भी होता है,
और सुख की अनुभूति तभी होती है जब दुख हो। अगर दुख ही ना हो तो फिर सुख किस बात का, पता ही नहीं लगता है। जैसे अभी उदय शुक्ला कह रहे थे कि हम धूप में पोस्टर लगा के आते हैं, पर मेहनत करते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, जब वो छाया में पंखे के नीचे आके बैठते होंगे तभी तो उस पंखे का आनंद आता होगा, पता लगता होगा कि हाँ देखो भाई हम धूप में आए थे, अब कितनी राहत मिल रही है। अब ऑलरेडी अगर आप पंखे के नीचे बैठे रहेंगे तो आपको तो फिर उसके बाद शायद एसी की आवश्यकता होगी, तब पता लगेगा कि हाँ पंखे से बेहतर आनंद और आराम एसी में आता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी लिखे हैं, मैं उनके भी कमेंट्स लूंगा, बट जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो इस तरह से मन में कभी ख्याल आ जाते हैं, कृपया करके उन लोगों से यही निवेदन है, इस तरह का ख्याल लाने की आवश्यकता नहीं है।